हाँ जी दोस्तों, हारमोनियम गुरु लेसन में आप सबका स्वागत है। जैसे कि एक कहावत है, एक साधे बाकी सब अपने आप सज जाए। तो ये हमारा तीसरा लेसन है थर्ड बिलावल के ऊपर। मैंने आपको पहले भी दो लेसन दिए थे और मैंने आपको बताया था कि अगर आप थर्ड बिलावल को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए दुनिया का कोई भी गाना आपके लिए खुद से बजाना आसान होगा और उस गाने में कॉर्ड लगाना सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर आपने पहले दो लेसन नहीं देखे तो वो भी देखिए। अभी ये तीसरा लेसन मैं आपको और डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे और क्या प्रैक्टिस करना है। देखिए, सबसे पहले आप आज किस क्लास में क्या करेंगे, कॉर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे। मतलब कि दो तरीके के कॉर्ड होते हैं, एक होता है मेजर कॉर्ड, एक होता है माइनर कॉर्ड। ये दो कॉर्ड अगर आप बजाना सीख लेते हो तो दुनिया का कोई भी गाना हो, किसी भी राग का गाना हो, किसी भी थाट का गाना हो, आप उन गानों में वो कॉर्ड लगा पाएंगे। 99% गानों में कॉर्ड ये दो ही कॉर्ड लगते हैं, एक मेजर और एक माइनर। बचा 1% वो दूसरे आ जाते हैं, डिमिनिश, रेगमेंटेड, सिक्स, सेवन्थ। उसको सीखने की जरूरत है भी नहीं, भी सीखेंगे तो भी चल जाएगा। अभी बात करते हैं पहले मेजर कॉर्ड्स की, आपको कैसे प्रैक्टिस करना है। सारे मेजर कॉर्ड निकालने हैं, जैसे मान चलिए आपको सा का मेजर कॉर्ड निकालना है। पहले मेजर कॉर्ड का फॉर्मूला जान लीजिए। मेजर कॉर्ड का फॉर्मूला होता है 1 5 8। अगर मैं सा का मेजर कॉर्ड निकालना चाहता हूं तो सा मेरा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब कि मेरे को पहला स्वर पकड़ना है, पांचवा पकड़ना और आठवां पकड़ना है, तो ये बन गया सा का मेजर कॉर्ड। सेम एज इट इज मान चलिए मेरे को शुद्ध रे का मेजर कॉर्ड निकालना, तो मैं क्या करूंगा, अभी शुद्ध रे मेरा 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरा शुद्ध रे का मेजर कॉर्ड होगा। सेम एज इट इज शुद्ध गा का मान चलिए मेरे को मेजर कॉर्ड निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका शुद्ध गा का मेजर कोड हो गया। ऐसे आप हर एक स्वर का मेजर कोड निकालिए, कोमल रे का मेजर कोड निकालिए, कोमल गा का निकालिए और तीव्र मा का मेजर कोड निकालिए, हर एक स्वर का मेजर कोड निकालिए और ये होगा मेजर कोड के ऊपर कि फॉर्मूला है 1 5 8। आप कहीं भी किसी भी स्वर का, जैसे मान चलो पा का निकालना चाहते तो पा आपका 1 हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके आगे वाले काउंट होंगे। दूसरा माइनर कोड्स, माइनर कोड के लिए फॉर्मूला है 1 4 8। जैसे मान चलिए आपको सा का माइनर कोड निकालना, तो आप क्या करेंगे, सा से 1 शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 8। कहीं से भी यहाँ, अगर यहाँ से इस स्वर का निकालना चाहते हैं, यदि शुद्ध रे का निकाले तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, मेजर के लिए 1 5 8 और माइनर के लिए 1 4 8। आपको टोटल 12 के 12 स्वरों का निकालना है, यानी कि सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नहीं, शुद्ध नहीं, तार सप्तक का सा। टोटल 12 स्वरों के आपको मेजर कोड निकालने, 12 के माइनर कोड निकालने, ठीक है, हो गया। अभी चलते अगली चीज। उसके बाद आप गूगल पे जाइए, वहां पे लिखिए एक प्यार का नगमा हारमोनियम नोट्स, सर्च करिएगा वहां पे एक प्यार का नगमा हारमोनियम नोट्स, आपको वहां पे हारमोनियम के नोट्स मिल जाएंगे। उस गाने के नोट, उस गाने को आपको नोट्स के साथ तैयार करना है पहली काली से, ठीक है। जैसे मैंने YouTube से या फिर Google से कहीं से भी देख के नोट्स ले लीजिए, मैंने भी अपनी वेबसाइट पे इस गाने के नोट्स डाल रखे हैं। तो आप क्या करिए, Google पे जाइएगा, सर्च करिएगा एक प्यार का नगमा है हारमोनियम नोट्स, तो उस गाने को पहली काली से तैयार करिए। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, ऐसा बजना चाहिए, ठीक है। अभी आपको जो भी एफर्ट लगाना है, जो भी समय लगाना है, पहली काली से आप नोट्स देख के बजाइए, कोई चक्कर नहीं। लेकिन जब आपका गाना पहली काली से तैयार हो जाए, फिर आप वही गाना दूसरी काली से ट्राई करिए। लेकिन अभी इस बार आप नोट्स नहीं यूज करेंगे, आप अपने आप ढूंढेंगे गाने को। सारे का एक प्यार का नगमा है, मतलब कि आप एक गाने को नोट्स के साथ सीखिए पहली काली से, लेकिन बाकी स्केल से आप उसी गाने को खुद से निकालिए। जिस अगर दूसरी काली से निकालिए, तीसरी से निकालिए, तीसरी से निकालिए, चौथी से निकालिए, पांचवी से निकालिए, जितने स्केल्स के ऊपर आप इस गाने को निकाल लेंगे उतनी अच्छी आपकी सेंस बढ़ेगी और आपके लिए दुनिया का कोई भी गाना बजाना निकालना इजी हो जाएगा। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रियाज है। अगर आप एक गाने को अलग अलग स्केल से बजा सकते हो ना, बिना नोट्स के निकाल सकते हो, तो आप समझिए कि आपके लिए कोई भी गाना बजाना कुछ मुश्किल नहीं। लेकिन प्रोसेस वाइज पहले उस गाने को पहली काली से सीखिए, नोट्स के साथ सीखिए। जब आपने अच्छे से गाना सीख लिया, फिर दूसरी जगह से आप उसको बिना नोट्स के ट्राई करिए। क्योंकि अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने क्या सीखा है और आपने क्या देखा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ से बजा रहे हैं तो नोट्स लग रहे ये पहले नहीं, एक प्यार का नगमा है। अगर यही चीज आपको तीसरी काली से बजाएं तो तभी यही चीज आएगी, सारे गा गा मा पा मा मा गा गा, एक प्यार का नगमा है। यही चीज आपको एक्सप्लोर करनी है, हर एक स्केल से बजाइए इस गाने को।
देखिए ये छोटी छोटी चीजें अक्सर हम लोग ट्राई नहीं करते। मैंने इसीलिए कहा कि एक साधे सब सज जाए, तो ये एक ऐसा रियाज है, अगर आपने ये रियाज पूरा कर लिया ना तो फिर आप कुछ भी बजा सकते हैं, ठीक है। सिंपली फिर अगर आपको बजाना आ गया, गाना निकालना आ गया, तो कॉर्ड्स कैसे लगाने मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर कोई गाना गा के ऊपर उठता है तो गा का कोड लग जाएगा, अगर माँ के ऊपर उठता है तो माँ का कोड लग जाएगा। सिंपल सा फंडा है, मैंने आपको कॉर्ड भी बता दिए मेजर और माइनर, है ना। तो सिंपली अगर गाने की लाइन माँ के ऊपर उठती तो माँ का कोड लग जाता है, अगर गाने की लाइन पा के ऊपर उठती तो पा का कोड लग जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको जो चौथा लेसन बनाऊंगा उसके अंदर डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आज के लिए आप पहले कॉर्ड बजाना सीखिए और दूसरा इस गाने को बजाना सीखिए, बस यही काम करना और कुछ नहीं करना। और इसी के ऊपर फिर अपन चौथा लेसन लेके आएंगे और आपको थोड़ा गहराई में बताऊंगा कि आगे क्या करना है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी देखे तो कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।